डीडवाना जिला सरपंच संघ के सरपंचों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को सौंपा गया। ये ज्ञापन बकाया मनरेगा का भुगतान को लेकर सौंपा गया है। दिए गए ज्ञापन में सरपंचों के द्वारा बताया गया है कि मनरेगा के 3 पखवाड़ों का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित चल रहा है, जिसे तुरंत प्रभाव से भुगतान करवाया जाए और जो खरीफ 2079 व 2080 मुआवजा तथा बीमा क्लेम है उसे अतिशीघ्र ही दिलवाया जाए और पटवारी मौलास तहसीलदार द्वारा 7D की रिपोर्ट नहीं बनाई गई है जिसकी प्रभावी रूप से जांच करवाई जाए। ओसवार खराबे की रिपोर्ट अगर बनाई है तो फिर किसानों को उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है? निम्न मांगों पर समय रहते हुए अतिशीघ्र समाधान करवाया जाए, अन्यथा मजबूरन आंदोलन जैसा कदम उठाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सरपंच भागीरथ यादव, हनुमान चौधरी, धर्मपाल सिंह, रामपाल थालोर आदि मौजूद रहे। आज डीडवाना जिला सरपंच संघ द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। हमारी महत्वपूर्ण एक मुख्य मांग तो ये थी कि मनरेगा का 7-8वां पखवाड़ा चल रहा है, लेबर पूरे जिले की लगी हुई है लेकिन एक भी रुपया अभी तक मिला नहीं है और बुरी हालत है। अभी रक्षाबंधन के वक्त भी महिलाएं रक्षा बांधने के लिए वो राखी बांधने गई लेकिन खर्चा वर्चा मिला नहीं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से लेटर यहाँ भिजवाया है कि इसको जल्दी से जल्दी मनरेगा का जो पैसा है लेबर का वो बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। लेबर बेचारी जाती है, सुबह जाती है 8 बजे और 4-5 बजे तक रुकती है, वहाँ 200-225 रुपये मिलते हैं, वो भी समय पर नहीं मिले तो कितनी बुरी बात है। पहली मांग ये थी। दूसरी हमारी मांग थी रबी और खरीफ का 2079 और 2080 का अभी बकाया चल रहा है, बीमा क्लेम प्लस मुआवजा, उसकी कलेक्टर साहब ने बड़ी गंभीरता से हमारे से चर्चा की। दोनों प्रकरणों को उन्होंने कहा कि जल्दी ही निस्तारण करवाएंगे, मनरेगा का पैसा भी डलवाएंगे लेबर का, और ये खरीफ और रबी का जो मामला है मुआवजा का बीमा के लिए इसको जल्दी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इसी मांग को लेकर के ये सरपंच पूरा हमारा ज्ञापन देके आए। फोटो से के लिए